Hey Chinellians, welcome back to my channel. It's me and I'm back with another new video for you guys. और मेरा आज का वीडियो है कि how to use one top in a different ways. और ये टॉप like off shoulder है और इसको मैं different तरीके से आपको पहन के दिखाने वाली हूँ यहाँ पे. और मेरा टॉप ये है like इसमें ना ये टॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. इनफैक्ट और इसमें यहाँ पे रफल भी दिए हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है. इनफैक्ट और इसमें ना बड़े फ्लावर्स में प्रिंट है तो फिर भी मुझे बहुत जनरली मुझे ज़्यादा बड़ी प्रिंट्स अच्छी नहीं लगती है. बट ये बहुत ही सोबर एंड बहुत ही नाइस लुक है इसका. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम या लेट्स जंप राइट इन टू द वीडियो. बट या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो मेरे सारे अपलोड्स के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे. And you can watch my video instantly. And yeah, don't forget to follow me on Instagram as well. So let's get started. इन माई फर्स्ट स्टाइल ये मेरे फ्लोरल प्रिंट बॉर्डर टॉप को मैंने सिंपल टॉप की तरह पहना है और ये बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है. इनफैक्ट एकदम खुला खुला एंड कम्फर्टेबल लुक में भी बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है. इसको मैंने टाइट्स के साथ पहना है M&S की. एंड मेरे पास सिल्वर हुप इयर रिंग्स में पूरा सेट है तो यानी 5 साइज के सिल्वर हुप इयर रिंग्स है. तो इसमें मैंने सबसे जो बड़ा है साइज वो मैंने पहना है और इतना कूल लग रहा है कि इसके साथ मुझे और कुछ भी ज्वेलरी में पहनने का मन नहीं कर रहा है. और सिल्वर वॉच पहन ली है एंड जूती में मैंने यहाँ पे पॉइंटेड टो क्रीम हील्स पहनी है जो कि बहुत ही परफेक्ट लुक क्रिएट कर रहा है. एंड इसके साथ पर्स में मैंने यहाँ पे ब्लैक ज़ारा का पर्स लिया है बिकॉज ये पूरा एकदम कूल लुक है. तो इसके साथ ज़्यादा फैंसी या ऐसे से ज़्यादा अच्छा नाइस एंड डिसेंट लुक कंटिन्यू करना पसंद करूँगी. तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक लेदर ज़ारा का पर्स लिया है. मैं नेक्स्ट आई यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर टॉप को विदाउट टाइट्स पहना है एंड ये इंस्टेंटली स्टाइलिश लुक देने लगा. सो This top is really so much multi-optional top. The most biggest benefit of this top is you do not need to hide your tummy and you know आपको body shape भी you know maintain करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये खुला खुला top एकदम fancy भी लगता है and stylish भी लगता है. And इसके साथ मैंने sling bag carry करी है और मैं earrings change करने वाली नहीं हूँ क्योंकि इसके साथ मुझे ये इयररिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है. इसके अलावा मैं और कोई ज्वेलरी कैरी करना पसंद नहीं करूँगी बिकॉज़ ये सिंपल एंड सोबर भी है, स्टाइलिश लुक भी देती है, इसके साथ पूरी एकदम मैच भी होती है. ये लुक अगर आप बीच पे जाओ तो ये वाला टॉप बहुत फ्लोरल प्रिंट हमेशा बीच पे अच्छी ही लगती है. इनफैक्ट आप कहीं पर भी पहन सकते हो. इन माई नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने मेरे ऑफ शोल्डर बॉर्डर टॉप को यहाँ पे मैंने ओरिजिनल लुक में ही पहना है लाइक ऑफ शोल्डर बॉर्डर टॉप. तो ये लुक तो डेफिनेटली बहुत ही क्लासी लगेगा. एंड इसके साथ मैंने हेयर मेरे यहाँ पे क्लचर की हेल्प से ऊपर कर लिए है एंड यू ना आगे थोड़े बाल निकाल दिए है टू गिव ए स्टाइलिश लुक. अगर ये मेरा स्टाइलिश लुक है देन इसके साथ गॉगल्स तो बनता है. इन माई नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर मैंने मेरे ऑफ शोल्डर बॉर्डर टॉप को ट्यूब टॉप के तरीके से पहना है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक लग रहा है. इनफैक्ट तो इसके साथ आप जीन्स कुछ भी पहन सकते हो, टाइट्स भी पहन सकते हो, एज अ टॉप भी पहन सकते हो. ये स्टाइलिश ही लगेगा. और बड़ा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें रफल्स दिए हुए हैं तो इसकी जो स्लीव है वो हिडन हो गई है ऑलरेडी. तो यानी कि इसका जो स्लीव वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा है. इसीलिए ये बॉर्डर टॉप है वैसा लुक नहीं दे रहा है, ये ओरिजिनल ट्यूब टॉप हो वैसा ही लुक क्रिएट कर रहा है. इन माय नेक्स्ट स्टाइल आई हैव जस्ट एडेड बेल्ट ओनली एंड इसका पूरा लुक चेंज हो गया है. ये इतना ज़्यादा स्मार्ट लुक देने लगा है. तो यानी कि जब भी आप ऐसे रफल वाले या खुले खुले टॉप हो तो उसके साथ बेल्ट यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना. अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से पहनना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक इनफेक्ट देता है. मेरे सारे स्टाइल में मैंने यहाँ पे जूती चेंज नहीं की है, क्रीम पॉइंटेड टो हील्स ही मैंने यूज़ की है बिकॉज इसके साथ यू नो थोड़ा डिसेंट एंड स्टाइलिश लुक मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी. और ज़्यादा स्टाइलिश करना हो तो आप हील्स भी पहन सकते हो ब्लैक, तो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी.
स्टाइल। यहाँ पर मैंने बॉर्डर टॉप को एज अ वन साइडेड ऑफ शोल्डर टॉप को वैसे पहना है एंड इसके साथ मैंने शॉर्ट्स यहाँ पे कैरी किया है बिकॉज ये ऑलरेडी वन साइडेड कर देने की वजह से टॉप लिटिल बिट ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि इसके साथ आप जीन्स भी पहन सकते हो या फिर शॉर्ट्स भी पहन सकते हो। इसके साथ आप पैंट से स्कर्ट भी इनफैक्ट पहन सकते हो बिकॉज खुला खुला नहीं पहन सकते, टॉप ऑलरेडी खुला खुला है, ना स्टाइलिश एंड अच्छा लुक नहीं आएगा। सो इसके साथ आप जो भी फिटिंग में हो वो आप कैरी कर सकते हो। और मैंने क्लचर की हेल्प से मेरे बाल ऊपर कर दिए हैं बट एज मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं तो थोड़े थोड़े बाल ये ना घूमने निकल आते हैं बाहर में, तो जस्ट डोंट माइंड। इन माई नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर मैंने टॉप को सिंपल ऊपर से पहन लिया है और आगे में थोड़ा डीप रखा है और अंदर मैंने स्कार्फ रैप किया है ताकि थोड़ी क्रीज वाली स्टाइलिश डिसेंट एंड फैंसी लुक आए। तो यहाँ पे आप कुछ भी पहन सकते हो, लाइक स्पगेटी, कोई भी ट्यूब टॉप पहन सकते हो, कुछ भी स्टाइल करके आप कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हो या फिर मैचिंग में पहन सकते हो। और ये पूरा टॉप एकदम नीचे ना चला जाए जब मैं खुला हाथ रखूँ तब, तो इसलिए मैंने फ्रंट में यहाँ पे लिटिल बिट टक कर दिया है ताकि ये स्टाइलिश लुक भी दे एंड पूरा एकदम बाबा, कोई बाबा बन गई हो वैसा ना लगे। इसलिए यहाँ पर मैंने ये आगे में टक कर दिया है ताकि स्टाइलिश लुक क्रिएट हो। इन माई नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने अगर शॉर्ट्स ना पहना हो तो शॉर्ट्स की जगह पे हम जीन्स भी पहन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक भी इनफैक्ट दे रहा है, तो इसीलिए इन माई नेक्स्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे जीन्स के साथ आपको दिखाया है एंड हैव अ लुक। आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर टॉप का वीडियो चल रहा है और इसमें ये जीन्स टी शर्ट क्या कर रहे हैं, बट जस्ट हैव अ लुक। ये टॉप का जो इलास्टिक है उसको हम हाइड कर देंगे बिकॉज बट ऑब्वियस है, इलास्टिक देख के सबको पता चल जाता है कि ये टॉप है जो एज अ स्कार्फ यूज़ किया है, बट ये हाइड कर देने से कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने टॉप पहना है और ये इतना ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। सो आप बॉर्डर टॉप को एज अ स्कार्फ भी पहन सकते हो। आपने जो ये इलास्टिक हाइड किया है वो बाहर आ जाने का अगर डर हो तो आप सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हो ताकि बार बार एडजस्टमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने बॉर्डर टॉप को टी शर्ट के साथ पहना है, जो अभी मैंने प्रीवियस टी शर्ट पहनी थी तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो मैंने ये टी शर्ट चेंज कर दी। अभी भी ये लुक अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई विल ट्राई अनदर वन। आई एम शोइंग यू दिस वन बिकॉज मुझे भी ट्राई करके लाइक देखना पड़ता है कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बिकॉज जो हम इमेजिन करते हैं वो सब अच्छा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आफ्टर ट्राइंग टी शर्ट मैंने यहाँ पे सोचा कि इसमें मैं जो टकिन कर रही हूँ ना वो बहुत ही गंदा लग रहा है और इसके साथ टी शर्ट अगर खुला छोड़ूंगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो यानी कि उसके बाद इंस्टेंट मुझे क्लिक हुआ कि मैं ये ब्लैक क्रॉप टॉप पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक दे रहा है ये, और ये पूरा एकदम यू नो एक ड्रेस हो वैसा क्रिएट हो गया है। इन माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टाइल यहाँ पर मैंने बॉर्डर टॉप को सिर्फ ट्यूब टॉप ऐसा पहन लिया है और विथ क्रॉप टॉप, तो ये एकदम प्यारा लुक दे रहा है। इनफैक्ट टिप्स और ट्रिक्स से होप ये आपको अच्छे लगे होंगे और होप इट वुड हेल्प यू अलॉट बिकॉज इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव दिखाने का ट्राई किया है और इसमें यू नो बॉर्डर टॉप को ही आप बहुत ही अच्छी तरीके से पहन सकते हो और हर एक लुक में एक अलग ही लुक ये यू नो दे रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि आप अलग अलग स्टाइल से भी पहन सकते हो, लाइक एज अ स्कार्फ, एज अ स्कर्ट, एज अ ट्यूब टॉप वगैरह वगैरह, एज अ फ्रॉक, तो यानी कि बहुत ही अच्छा। मैंने इसको यहाँ पे जैकेट लेके नहीं बताया है, आप जैकेट साथ में कैरी करके भी पहन सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देगा इनफैक्ट। तो यानी कि
फैशन इज लिटरली इन्फिनिटी अनलिमिटेड, तो आप कुछ भी क्रिएटिव करके अपना फैशन क्रिएट कर सकते हो. सो गाइज, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, एंड या कीप वॉचिंग माई वीडियोज टू गेट न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स इन एवरी वीडियोज. सो बी फैशनेबल, बी क्लासी, बी ब्यूटिफुल. बाय बाय, टेक केयर टिल माई नेक्स्ट वीडियो. लव यू गाइज. Subscribe now.